कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तलावत दानियाल नबी की किताब उसका 13वां बाब 14वीं से 20वीं आयात। लेकिन वो दोनों एक चक्कर काट कर उसी जगह वापस आ गए और एक दूसरे से वापस आने का सबब पूछकर उन्होंने अपनी अपनी शहवत का इकरार कर लिया। तब उन्होंने आपस में मशवरत के साथ एक ऐसा वक्त मुकर्रर किया जबकि वो उसे अकेली पा सकें। जब वो मौके की दिन की ताड़ में थे तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो अपने रोज़ाना दस्तूर के मुताबिक दो लौंडियों को साथ लेकर बाग में गई, और चूंकि वो वक्त गर्मी का था इसलिए उसने चाहा कि बाग में गुसल करे। इन दोनों बुज़ुर्गों के सिवा वहाँ कोई ना था और ये छुपकर उसे देख रहे थे। तो उसने लौंडियों से कहा कि तेल और इतर लाओ और बाग का फाटक बंद कर दो ताकि मैं गुसल कर लूं। और उन्होंने वैसे ही किया जैसे उसने उन्हें हुक्म दिया था। उन्होंने बाग का फाटक बंद कर दिया और चोर दरवाजे से बाहर चली गईं ताकि वो सब कुछ लाएं जिसका उसने हुक्म दिया था। लेकिन उन्हें ये मालूम ना था कि यहाँ दो बुज़ुर्ग छुपे हुए हैं। जब लौंडियाँ बाहर चली गईं तो दोनों बुज़ुर्ग उठकर उसकी तरफ दौड़े और कहा कि देख, बाग का फाटक बंद है और हमें कोई नहीं देखता। हम तेरे इश्क में शिफ्ता हैं, बस हमारी बात मान और हमें खुश कर दे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।